अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नो योर वर्ड का हमने चैप्टर नंबर 6 जो है उसको स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 6 के लेक्चर नंबर 1 में आपने उसकी रीडिंग की, फिर उसके बाद आपने उसकी कुछ एक्सरसाइज को भी उसमें जो है वो आपने कवर अप कर लिया। तो आज हम लेक्चर 2 जो है उसको स्टार्ट कर लेते हैं, और उसमें हम क्या स्टार्ट करेंगे, वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। और वर्कशीट में हम सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स कर लेते हैं। सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक जो है, अकबर रूल द मुगल एम्पायर फ्रॉम डैश टू डैश, कि अकबर ने मुगल एम्पायर को कब तक जो है वहाँ पे हुकूमत की, कब से लेके कब तक, ठीक है। तो उन्होंने 1556 से 1605 तक, मतलब 1556 से 1605 तक जो है उन्होंने हुकूमत की थी। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक है, एज अ चाइल्ड अकबर हैड अ डैश माइंड, के बच्चे होने का, एज अ चाइल्ड जब वो बच्चे थे तो उनका जो दिमाग था वो किस तरह का था, तो उनका माइंड था क्वेश्चनिंग माइंड, मतलब कि सवालात पूछते थे बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है, बैरम खान वाज किल्ड ऑन हिज वे टू डैश, तो बैरम खान जो है उनको कब किल किया गया था, जब वो मक्का की तरफ जा रहे थे उनको वहाँ पे किल किया गया था। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही कॉन्टेन टेनेंट्स फ्राम डैश एंड डैश, दीन ए इलाही में मतलब किन के बारे में जो था सिस्टम बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, वो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के जो हैं उनके लिए वो बनाया गया था। नेक्स्ट है, द वर्ड डैश मीन्स नाइन जैम, द वर्ड नौ रतन मीन नाइन जैम्स, नौ रतन का मतलब होता है नौ जैम्स, नाइन जैम्स। नेक्स्ट है, हमने कुछ क्वेश्चंस हैं उनके ब्रीफली जो है वो आंसर करने हैं। सबसे पहले है, हु वाज अकबर गार्डियन, वाई डिड ही नीड अ गार्डियन, अकबर का गार्डियन कौन था, सरप्रस्त कौन था, और वो उसको सरप्रस्त की ज़रूरत क्यों थी। बैरम खान जो हैं वो कौन थे, अकबर के गार्डियन थे, और अकबर बहुत छोटा था इसलिए उसको किसकी ज़रूरत थी, एक सरप्रस्त की ज़रूरत थी। हु वाज हमीदा बानो, व्हाट रोल डिड शी प्ले इन अकबर एजुकेशन एंड ग्रूमिंग ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, तो हमीदा बानो जो हैं वो कौन थी, और उन्होंने उसकी तालीम में और ग्रूमिंग में बचपन में क्या, उनके क्या रोल था। इसका आंसर है कि अकबर की वो माँ थी, हमीदा बानो वाज अकबर्स मदर, शी मेड श्योर ही रिसीव्ड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अप्रोप्रिएट फॉर किंग, वो क्या देखती थी, इस बात का यकीन करती थी, श्योर करती थी इस बात को कि जो अकबर है वो एक किंग के हिसाब से ही ट्रेनिंग ले रहा है, उसकी एजुकेशन भी ऐसी होनी चाहिए जो एक बादशाह की होती है, और उसकी ट्रेनिंग भी ऐसी होनी चाहिए जैसे कि एक बादशाह की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड अकबर लीव बैरम खान ऑफ हिज ड्यूटीज़ एज अ गार्डियन, कि अकबर ने क्यों उनको अपनी ड्यूटी से हटा दिया था। अकबर हैड एन इंडिपेंडेंट माइंड एंड डिड नॉट वांट एनीवन एडवाइस, अकबर जो था उनका जो दिमाग था वो किसी पे डिपेंड नहीं करते थे, ठीक है, और वो नहीं चाहते थे कि कोई उनको मशवरा दे या सलाह दे, इसलिए उन्होंने उनको निकाल दिया था अपनी गार्डियनशिप से। नेक्स्ट है, वाई डू यू थिंक अकबर स्पेयर्ड बैरम खान्स लाइफ, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट अकबर खान करेक्टर और नेचर, के उन्होंने अकबर खान को क्यों उनकी लाइफ स्पेयर कर दी थी, उनको क्यों छोड़ दिया था, इस बात से आपको क्या पता चलता है कि अकबर जो है वो किस तरह के थे। बिकॉज ऑफ बैरम खान लॉयल्टी टू हिम एंड हिज फादर, लेट फादर, उनके जो मरहूम बाप थे उनकी वजह से उनके साथ वो बहुत वफादार थे, और बैरम खान और अकबर के साथ भी। He was a grateful man and appreciated a good deed done to him or his family. और वो एक अच्छे इंसान थे और वो हमेशा इस बात की कदर करते थे कि किसी ने उनके घर या उनके उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ भलाई की हो। What language was introduced and adopted as the court language during Akbar rule? अकबर के हुकूमत के दौरान कौन सी लैंग्वेज जो है उसको मुतारिफ करवाया गया था, तो वो है फारसी, फारसी लैंग्वेज को कराया गया था। What clues from the text prove that Akbar was a liberal ruler who did not believe in ruling his empire on Islamic tradition alone. कि अकबर, आपको ये पूरा टेक्स्ट या इस पूरी स्टोरी को पढ़ के आपको कैसे लगा कि जो अकबर हैं वो एक लिबरल रूलर थे, वो अपनी इस्लामी कदरों पे क्यों नहीं चल रहे थे। वो इस्लामी कदरों पे इसलिए नहीं चल रहे कि वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने एक सिस्टम को मुतारिफ करवा दिया था जो कि मुस्लिम और हिंदू दोनों को जोड़ के रखता, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं दीन इलाही सिस्टम जो था। अ वाइज एंड डिप्लोमेटिक रूलर हु टुक ब्रेव डिसीजन, और आपको ये स्टोरी पढ़ के लगा कि वो एक अक्लमंद और डिप्लोमेटिक हुक्मरान है जिन्होंने बहुत ही बहादुराना फैसले किए, तो वो बहुत ही जो हैं हैरतअंगेज जो थे, गार्डियन थे, सरप्रस्त थे, इसलिए उन्होंने इस तरह के जो हैं वो फैसले लिए थे। डायरी आपकी ये है कि आपने ये सारी वर्कशीट को बहुत अच्छे से लर्न करना है और उसके बाद इसको लिख के याद करना है। थैंक यू।